Namaste. Hi, guys. So life is all about mistakes and corrections. पूरी जिंदगी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और फिर वो गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं. कभी बड़ी गलती, कभी छोटी गलती, लेकिन गलतियां हमसे हमेशा होती रहती है. जब कोई बड़ी गलती होती है, when we do make a big mistake, that becomes a little bit of a problem inside us. वो हम अंदर रख देते हैं, उसके बारे में बोलते नहीं, उसका जिक्र नहीं करते कभी. बड़ी गलती, हम उस चीज़ के लिए अपने आप को क्षमा भी नहीं करते, माफ़ भी नहीं करते. उस गलती को लेके चलते हैं जिंदगी भर. What I'm trying to say is, अगर गलती छोटी हो या बड़ी हो, इसके लिए अपने आप को मारने की ज़रूरत नहीं है. मारने की मतलब नॉट एक्चुअली लिटरली हिटिंग योरसेल्फ, बट इस तरह से जीवन बिताने की कोई ज़रूरत नहीं है. एवरी पर्सन मेक्स मिस्टेक्स. ओके, सर्टन मिस्टेक्स व्हाट यू हैव मेड वो करेक्ट नहीं हो पाते, फाइन. बट गलतियों से बाहर उभरने का एक मौका हमेशा हमको मिलता है. इनफैक्ट बहुत सारे मौके मिलते हैं. सो वन सच थिंग इज टू फॉरगिव, क्षमा, माफ कर देना अपने आप को और सामने वाले को भी, जिसकी वजह से हुई है, जिसके कारण हुई है गलती, अपने कारण हुई है, सामने वाले के कारण हुई है, कुछ भी हो, क्षमा करना. सो एवरी टाइम इन लाइफ वी डू कम अक्रॉस दिस मिस्टेक्स एंड करेक्शंस, मिस्टेक्स एंड करेक्शंस. वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग ऑल दिस ऑल आवर लाइफ्स. गलती करते हैं उसको करेक्ट करते हैं, गलती करते हैं उसको करेक्ट करते हैं. अगर हम ये समझे कि जीवन इसी तरह से है, गलतियाँ होती है, करेक्शन होते हैं, जस्ट लीड लाइफ सिंपली नो, उसके लिए वाई डू हैव टू ब्लेम योर सेल्फ ऑल द टाइम. ये आगे चल के हम कर सकते हैं, लेकिन अभी पास ले लीजिए. बहुत सारी गलतियाँ आप कर चुके हैं, अभी इसका क्या करें. कुछ कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो आपको चुभती हैं, अभी तक वो भूल नहीं पाते. मेरे से वो गलती, इतनी भयंकर एक गलती हो गई मुझसे, तो नाउ वॉट टू डू. सम मिस्टेक यू मेड इन द पास फॉर विच यू कॉन्ट फॉरगिव योर सेल्फ, और इफ अनदर पर्सन इज इन्वॉल्व यू कॉन्ट फॉरगिव द अदर पर्सन. तो वॉट टू डू, एक तो फॉर दिस यू रियली नीड टू वॉक ऑन द स्पिरिचुअल पाथ. ये स्पिरिचुअल पाथ पे आप चलेंगे ना, तो आप अपने आप को भी क्षमा कर पाएंगे और सामने वाले को भी क्षमा कर पाएंगे. और आगे से ऐसी गलती आपसे होगी ही नहीं जब आप इस मार्ग पर चलेंगे. जो लोग इस मार्ग पर नहीं है या जिनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्या हो जाता है, ये सारी गलतियां हैं वो अक्यूमुलेट हो जाती हैं. ये बहुत बड़ा घर बनाती हैं अपने अंदर, और एक दिन व्हेन यू अक्यूमुलेट टू मच, इट इज एन आउटबर्स्ट. एक दिन वो बलून, वो गुब्बारा फट जाता है, एंड देन यू डोंट नो हाउ टू डील विद दीज थिंग्स. फिर कुछ लोगों को स्किजोफ्रेनिया, बाइपोलर, कुछ 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 चीज़ें, मेंटल ब्लॉक्स, मेंटल चीज़ें हिल जाते हैं हम, बिकॉज उस गलती को हमने, वी हैव नॉट सीन दैट मिस्टेक इन द आई, वी हैव नॉट फेस दैट मिस्टेक, वी हैव स्टफ्ड इट इनसाइड. सो डोंट डू दीज थिंग्स. इंस्टेड, अगर आपको मालूम है कि ये कुछ चीज़ है, कुछ गलती हुई है जिससे आज तक मैं अपने आप को नहीं क्षमा कर पाई और सामने वाले को नहीं क्षमा कर पाई, तो पहले तो अपने आप को क्षमा करना. इस चीज़ के लिए अगर आप मेरी ज़रूरत चाहते हैं, तो मेरी मदद चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करें. देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग दीज थिंग्स. यू कैन ऑल्सो ट्राई सम अदर थेरेपीज इफ यू आर इंटरेस्टेड, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बट एनी विच वे आपको इस चीज़ को फेस करना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फेस इट एंड देन फॉरगिव योरसेल्फ फॉर इट. हर एक की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, जिसकी वजह से हम उसी को लेके ज़िंदगी भर चलते रहते हैं, और वो हमारे अंदर इतना बड़ा घर बना लेती है. डोंट मेक दैट इश्यू सो बिग कि आगे चल के आप उसको हैंडल करके से करें, यही समझ में ना आए, एंड पूरी ज़िंदगी आप उसके लिए रुइन हो जाए. यू रुइन योर एंटायर लाइफ इन द फ्यूचर. So if there is such thing and which is bothering you and pricking you now,
डू दिस प्रैक्टिस नाउ. यू कैन गेट इन टच विथ मी, आई कैन हेल्प यू, देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट. और यू कैन स्पीक दिस आउट टू समबडी एल्स दैट दिस इज द थिंग दैट हैज हैपेंड एंड आई डोंट नो हाउ टू डील विथ इट. मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती हूँ, सामने वाले को क्षमा नहीं कर पाती हूँ. बट ये किसी को बोलना ज़रूरी है, चाहे बहुत बड़ी गलती हो, कुछ भी हो, ये किसी को बोलना बहुत ज़रूरी है. इट हैज़ टू कम आउट. एक तो पहले एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये हुआ है और मुझे इस प्रॉब्लम को फेस करना है. अंदर ही अंदर दबा के रखना इज नॉट एन आंसर. मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है. ये फर्स्ट थिंग यू टू एक्सेप्ट दिस, मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है. I have to get out of this problem because it is bothering me. I have made a very big mistake and it is bothering me. और अगर छोटी गलती हो जहाँ पे आप सामने वाले को जाके बोल सकते हैं कि मुझे प्लीज़ मेरे से गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो, इट्स वेरी सिंपल टू डू इट. जस्ट डू इट, डोंट लेट योर ईगो कम इन योर वे एज फार एज दिस इज कंसर्न. कुछ बड़ी चीज़ हो जिसके लिए आप आज भी वो गिल्ट महसूस कर रहे हैं या वो चीज़ आपको चुभ रही है, इट हैज़ टू बी डेल्ट विथ नाउ. उसे और बढ़ावा ना दें, इसको और बड़ा ना करें. आगे चल के बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. सो लाइफ इज ऑल अबाउट मिस्टेक्स एंड करेक्शंस. हम जिंदगी भर गलतियां करते हैं, उसको करेक्ट करते रहते हैं. It's okay. It's okay to make mistakes. We are human beings. We do make mistakes. It's okay to make mistakes. जब ऊपर वाला हमको जज नहीं करता है तो हम अपने आप को क्यों जज करें? But this has to be dealt with. ये बात सही है. इसका निवारण करना ये तो बनता है, ये बात करनी ही पड़ेगी आपको, वरना आगे चल के बहुत बड़ी मुसीबतें आ जाएंगी. मतलब ये कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में रहता जाएगा एंड देन इट विल क्रिएट मोर मेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. सो अगेन एज आई से, डोंट ब्लेम योर सेल्फ. डोंट कीप कंप्लेनिंग दैट आई एम बैड, आई एम बैड, आई मेड दिस मिस्टेक. इट्स ओके. देर इज अ वे टू डील विद एवरीथिंग इन लाइफ. So you don't know how to deal with it, please do get in touch with me. I will guide you, or if you have someone else who can guide you, please go there. You need guidance when it is a big issue in your life because you cannot handle it. Agar aap khud handle kar sakte the to ab tak ye problem nahi hoti aapke life mein. You would have tied over it. Agar aap isse upar uth gaye hain to koi baat nahi, lekin abhi bhi agar ye problem aapko chubh rahi hai to aap kahin pe jaake iska nivaran karein. मेरे पास आना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपको हेल्प करूंगी. अगर कहीं और जाना चाहते हैं, आपकी कोई गुरु है, मास्टर है, स्पिरिचुअल टीचर है, गाइड है, प्लीज़ गो एंड कन्फेस कि ये मेरे से हुआ है, प्लीज़ हेल्प मी, आई नीड हेल्प. यू आस्क द यूनिवर्स राइट क्वेश्चंस, द यूनिवर्स विल गिव यू राइट आंसर्स. हमारा सवाल सही होना चाहिए, हमको ये महसूस होना चाहिए कि इस चीज़ के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए मुझे किसी की हेल्प लेनी है. यू टेल द यूनिवर्स कि मुझे ये चीज़ मैं नहीं हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए हेल्प चाहिए. आपके सामने बराबर से वही व्यक्ति आ जाएगी जो आपको हेल्प करेगी और इससे बाहर निकल आएंगी. लेकिन ये पहले डिसाइड कीजिए कि आपको बाहर निकलना है कि नहीं. ये पहले डिसाइड कीजिए कि मेरे से गलती हुई है, मुझे इससे बाहर निकलना है, ये गिल्ट मुझे खा रही है. Lot of people live in that guilt all their lives. Is guilt ke saath na jiye aap, because it's going to be difficult in the future. It's just my concern. It's going to be difficult in the future. Chahe kisi bhi kisam ki galati ho, shama upar wala zarur karta hai. Agar wo aapko shama karta hai, to kisi aur ki aapko zarurat hi nahi padegi. Koi aur aapko shama kare na kare, कोई फर्क नहीं पड़ता. यू फॉरगिव योर सेल्फ, डिवाइन फॉरगिव्स यू, दैट इज इट, डन. नो मैटर वॉट एवर, हाउ एवर ग्रेव द मिस्टेक कैन बी, एनी मिस्टेक, कोई भी गलती का करेक्शन जरूर होता है और है.
करेक्शन इज ऑलवेज देयर, सुधार इज ऑलवेज देयर. आप यू शुड वॉन्ट टू डू इट, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज यू डोंट वॉन्ट टू डू इट. वो अंदर अंदर रखते नहीं है, कैसे मैं बताऊँ किसी को, इतना बड़ा, इतना घिनौना, इतना ये है, इतना वो है. यू डोंट जज इट, नो, वाई डू यू वॉन्ट टू जज इट? ये घिनौना है, ये क्या है, जो भी है, वो सामने वाला देख लेगा ना. अगर वो स्पिरिचुअल मास्टर है, गाइड है, तो वो आपको जज ही नहीं करेगा. ये आपके दिमाग में क्यों आपने घर करके बैठा है कि एक घिनौना घिनौनी चीज मैंने की. डोंट जज योर सेल्फ. द डिवाइन डजंट जज यू, सो यू डोंट जज योर सेल्फ. इट्स ओके. एवरी वन डज मिस्टेक्स इन लाइफ. इट्स ओके. एवरी मिस्टेक कैन बी करेक्टेड. सो प्लीज वॉट एवर यू हैव डन, बी रेडी टू करेक्ट इट. उसको सुधारने के लिए आप तैयार हो जाइए. आप गलतियों को सुधारने के लिए आप तैयार हो जाइए. दैट्स माई ओनली रिक्वेस्ट यू. डोंट कीप इट इन साइड यू. इट इज गोइंग टू हैव वेरी बैड इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी, ऑन योर मेंटल बैलेंस, ऑन एवरी थिंग एज थिंग्स ग्रो. सो डोंट मेक इट सच अ बिग बलून इन योर हेड. ओके, थैंक यू वेरी मच. नमस्ते.